अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर द बैक अनदर न्यू वीडियो। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा ओडीआई मैच जो कि पर्थ में खेला जाएगा, तो आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है और जो पाकिस्तान की टीम है वो एक बार फिर दोबारा तैयार हो रही है ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए उनके घर के अंदर होम सीरीज। तो भाई पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड है वो तब्दील ना करने का फैसला करा है, जबकि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान जो है एक स्पिनर्स को तीसरे ओडीआई के अंदर शामिल करेगा, मगर अब ऐसी इतला आई है कि पाकिस्तान अपना सेम स्क्वाड खिलाएगा पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी यानी कि टफ टीम है, अगर देखा जाए उनके पास बॉलर्स की कमी नहीं है, मगर उस बॉलिंग अटैक पर भी पाकिस्तान ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर कॉम्बिनेशन से जो उनका उसके अंदर हाजल वोट्स हैं और पैट कमिंग्स हो गए, मिचेल स्टार्क्स हो गए, ये वो बड़े नाम हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बॉलर हैं, मगर पाकिस्तान के जो ओपनर बैट्समैन आए थे साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, इन्होंने बहुत ही जहराना तरीके से खेला, बहुत अच्छे अंदाज से खेला। जो अब्दुल्ला शफीक के शॉट्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉट्स थे, जो कि देखने में एक अलहदा ही मज़ा आ रहा था कि पता लग रहा था हाँ कि ये जो पाकिस्तान की टीम के जो आज ओपनर आए हैं भाई ये बेस्ट ओपनर हैं। तो भाई अब्दुल्ला शफीक की भी जो है बैटिंग के बाद साइम अयूब ने अपना दिखाए, वो शॉट्स दिखाए, वो नो लुक शॉट्स दिखाए जो पाकिस्तान के फैंस देखना चाहते थे। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है और पाकिस्तान टीम को एक अच्छा जो है विनिंग करवाया मैच, मगर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अभी क्रेडिट दिया जा रहा है वो बाबर आजम को क्रेडिट दिया जा रहा है, क्योंकि बाबर आजम के बारे में जो डेविड वार्नर थे वो कमेंटर्स रूम के अंदर बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो अपनी जो यानी कि जो स्ट्राइक रेट है उसको मेंटेन करने के लिए वो हिट नहीं करेगा, वो शॉट हिट नहीं करेगा, मगर उसने भाई करके दिखा दिया, उस बंदे ने इस चीज़ को दिखा दिया कि उसके अंदर भी टैलेंट मौजूद है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड के अंदर बड़े स्टेडियम्स के अंदर उसने छक्का मारा और विनिंग शॉट्स मार के टीम को एक अहम फतह दिलाई। तो भाई अब सारी जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान के तीसरे ओडीआई मैच के ऊपर हैं कि पाकिस्तान तीसरे ओडीआई मैच के अंदर कैसी परफॉर्मेंस करेगा। तो ये तीसरा मैच कल खेला जाएगा इतवार के रोज़। तो अब टीम के पास जो है आज टीम जो है ट्रैवल कर चुकी है पर्थ, जो है टीम पहुंच चुकी है और अब वो वहां पहुंच के जो है प्रैक्टिस करेगी और फिर कल अपना तीसरा ओडीआई मैच खेलेगी। और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की टीम की भाई इस वक्त इंडिया के अंदर इतनी तारीफ़ करी जा रही है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स मौजूद हैं या जो उनके बैटर्स मौजूद हैं वो हल्की फुल्की टीम नहीं है। देखो भाई कैप्टन भी वही है और आपका जो टीम मेंबर हैं वो भी वही हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ एक कप्तान चेंज हुआ है, एक नई सोच मिली है उस कप्तान से। और फिर टीम के अंदर एक जो 2021 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमारे को टीम देखने को मिली थी कि हमारी पाकिस्तान टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसने बैक टू बैक जो है पूरे यानी कि अपने जो ग्रुप स्टेज के मैच थे वो सारे विन करे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में हार गया था। अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता तो वो मैच पाकिस्तान फाइनल तक जाता और फाइनल भी पाकिस्तान जीत सकता था, मगर पाकिस्तान का बैड लग रहा और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही अच्छा खेल पेश करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल के अंदर जो है शिकस्त हुई। मगर यह है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं और जो उनके बॉलर्स हैं या उनकी टीम की अगर अभी बात करी जाए तो अभी उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।